देश में महिलाओं और बेटियों के साथ लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं से अब जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें गैर राजनीतिक दलों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। इसी श्रृंखला में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सेना के तत्वावधान में मंगलवार से धर्म नगरी वृंदावन में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू हो गया है। नगर निगम चौराहा स्थित गांधी पार्क के बाहर आमरण अनशन पर बैठे संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ संतों ने भी नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। अनशन पर बैठे लोगों ने सरकार से मांग की है कि बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए, जिसके तहत बलात्कारियों को 3 माह के अंदर फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी न होने तक यह आमरण अनशन जारी रहेगा। मेरा नाम है महेश सैनी एडवोकेट। महेश जी, ये आपके द्वारा धंधा दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सेना, हमारी एक सेना है, उसके द्वारा दिया जा रहा है। और ये जो धरना दिया जा रहा है वो है बहन बेटियों पर जो बलात्कार हो रहे हैं। आए दिन 1 घंटे में 9 बलात्कार होते हैं इंडिया के अंदर। ये हिंदुओं के लिए एक डूब मरने की बात है और सरकार के लिए भी डूब मरने की बात है। 1 घंटे में यहाँ की सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी पढ़ रही है और ना बच रही है। 1 घंटे में 9 बलात्कार होते हैं तो लगाइए 1 दिन में कितने बलात्कार होते होंगे। और उन बलात्कारों पर कोई सजा नहीं, दोषी पकड़े जाते हैं, उनको जेल में रोटियां दी जाती हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है, सबको पता होता है कि दोषी कौन है। दोषी को 3 माह के अंदर अंदर सजा मिले और सजा भी हो तो उसको मृत्यु दंड मिले। हमारी मांग ये है बलात्कार पर सख्त कानून बने और 3 माह के अंदर अंदर दोषी को फांसी की सजा हो, यही हमारी मांग है और कोई नहीं। हमारी जो मांग है उस पर हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। ये हमारा अटल फैसला है, चाहे उसमें हमारी जान चली जाए, लेकिन जब तक ये सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक हम जल की एक बूंद ग्रहण नहीं करेंगे और यहीं पे अपनी दम तोड़ देंगे। ये हमारी सेना का एक उद्देश्य है।